16/6/14 राजकोट एक्सप्रेस, ये गाड़ी कोयम्बटूर से खुलकर राजकोट तक जाती है। ये भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से गुजरती है और यहाँ पर रुकती भी है। यहाँ के बाद वसई, फिर वापी, फिर सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद होते हुए ये गाड़ी राजकोट तक जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए किस दिन कितनी गाड़ियाँ हैं और वो गाड़ियाँ कितने बजे भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर आती हैं और अहमदाबाद कितने बजे तक पहुँचाती हैं। उस सारी गाड़ियों के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप अगर अहमदाबाद जाना चाहते हैं भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से, तो आप किसी दिन भी जाएंगे उस दिन का टाइम टेबल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रविवार के दिन से शुरू करते हैं। रविवार के दिन टोटल 3 गाड़ियां हैं। पहली गाड़ी 22/7/18 राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। ये गाड़ी सिकंदराबाद से चल के राजकोट जंक्शन तक जाती है। ये सिकंदराबाद से खुलेगी और इसका आखिरी स्टॉप राजकोट जंक्शन होगा। ये गाड़ी भिवंडी से वसई होते हुए सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद होते हुए राजकोट जाती है। इस गाड़ी का भिवंडी में पहुंचने का सुबह 5:20 का टाइम है। सुबह ये गाड़ी 5:20 पर भिवंडी आती है और ये वसई होते हुए जाएगी अहमदाबाद दोपहर को 1:15 पर ये पहुंच जाती है गाड़ी। दूसरी गाड़ी 16/50/6 गांधीधाम एक्सप्रेस है, जो कि बेंगलोर से चलती है और ये गांधीधाम जंक्शन तक जाती है। ये गाड़ी भिवंडी में रात को 10:10 पर आती है और वसई होते हुए ये गाड़ी जाती है अहमदाबाद, आपको पहुंचा देगी सुबह 5:30 पर। फिर तीसरी गाड़ी है 11/090 भगत की कोठी नाम से ये गाड़ी है। ये कि पुणे से खुलती है ये गाड़ी और भगत की कोठी जंक्शन तक जाती है। ये गाड़ी भिवंडी में रात को आपको 11:05 पर आती है और अहमदाबाद सुबह 7:25 पर पहुंचा देती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली सारी गाड़ियाँ वसई होते हुए वापी और सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद होते हुए उनका जो आखिरी स्टॉप है वहाँ तक जाती हैं और ये गाड़ियाँ भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकती हैं और 2 मिनट में उतरने वाले उतर भी जाते हैं और चढ़ने वाले चढ़ भी जाते हैं। अब सोमवार के दिन देखते हैं। सोमवार के दिन सिर्फ 1 गाड़ी है, 11/092 पुणे भुज एक्सप्रेस। 11/092 पुणे भुज एक्सप्रेस, ये गाड़ी पुणे से खुलकर इसका आखिरी स्टॉप भुज जंक्शन है। पुणे से खुलेगी और भुज जंक्शन तक जाएगी। ये गाड़ी भिवंडी में रात को 11:05 पर आती है और सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद यहाँ से खुलेगी, जो कि वसई से वापी, सूरत, बड़ोदरा होते हुए अहमदाबाद आपको ये सुबह 7:25 पर पहुंचा देती है। उसके बाद मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन टोटल 3 गाड़ियां हैं। पहली गाड़ी 22/7/18 राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। ये गाड़ी सिकंदराबाद से राजकोट जंक्शन तक जाएगी, सिकंदराबाद से खुलेगी और इसका आखिरी स्टॉप राजकोट जंक्शन होगा। ये गाड़ी भिवंडी में सुबह 5:20 पर आती है और 2 मिनट रुकने के बाद ये खुलेगी और अहमदाबाद उसी दिन दोपहर को 1:15 पर ये गाड़ी पहुंचा देती है। फिर दूसरी गाड़ी 16/33/4 बेरावल एक्सप्रेस है। ये गाड़ी त्रिवेंद्रम से चलती है और इसका आखिरी स्टॉप बेरावल जंक्शन है। ये भिवंडी में रात को 10:30 आती है, 10:30 पर भिवंडी में आती है रात को और अहमदाबाद सुबह 6:40 पर पहुंचा देती है। सुबह अहमदाबाद 6:40 पर पहुंचा देती है। फिर तीसरी गाड़ी जो है 20/4/76 बीकानेर बिकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। ये गाड़ी पुणे से खुलकर बीकानेर जंक्शन तक जाती है। इसका आखिरी स्टॉप बीकानेर जंक्शन है। ये भिवंडी में रात को 11:05 पर आती है और 2 मिनट रुकने के बाद ये गाड़ी यहाँ से खुलेगी और अहमदाबाद सुबह 7:25 पर पहुँचा देती है। बुधवार, बुधवार को टोटल 4 गाड़ियाँ हैं। पहली गाड़ी 22/7/18 राजकोट सिकंदराबाद एक्सप्रेस। ये गाड़ी सिकंदराबाद से खुलती है और इसका आखिरी स्टॉप राजकोट जंक्शन है। ये भिवंडी में सुबह 5:20 पर आती है
और 2 मिनट रुकने के बाद यहाँ से खुलती है, जो कि उसी दिन अहमदाबाद दोपहर में 1:15 पर पहुँचा देती है। दूसरी गाड़ी 16:02:10 मैसूर अजमेर एक्सप्रेस है। ये गाड़ी मैसूर से खुलती है और अजमेर जंक्शन तक जाती है। ये गाड़ी भिवंडी में रात को 10:10 पर आती है और अहमदाबाद सुबह 5:30 पर पहुँचा देती है। उसके बाद तीसरी गाड़ी 16:33:06 गांधीधाम बिकली एक्सप्रेस है, जो कि नागरकोइल से खुलती है और इसका आखिरी स्टॉप गांधीधाम जंक्शन है। ये गाड़ी भिवंडी में रात को 10:30 पर आती है और अहमदाबाद सुबह 6:40 पर पहुंचा देती है। चौथी गाड़ी 22:01:86 अहिंसा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। ये गाड़ी अहिंसा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। ये पुणे से खुलती है और इसका आखिरी स्टॉप अहमदाबाद जंक्शन ही है। ये गाड़ी भिवंडी में रात को 11:05 पर आती है और अहमदाबाद सुबह 7:30 पर पहुंचा देती है। फिर बृहस्पतिवार को टोटल 3 गाड़ियां हैं। पहली गाड़ी 20:09:67 पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। ये गाड़ी भी सुबह की है, ये सिकंदराबाद से पोरबंदर के लिए जाती है और ये भिवंडी में सुबह 5:20 पर आती है और उसी दिन अहमदाबाद दोपहर को 1:15 पर पहुंचा देती है। फिर दूसरी गाड़ी 16:33:08 एर्नाकुलम ओखा एक्सप्रेस। ये गाड़ी एर्नाकुलम से खुलती है और इसका आखिरी स्टॉप ओखा जंक्शन है, ओखा तक जाती है। ये गाड़ी रात भिवंडी में रात 10:25 पर आती है और अहमदाबाद सुबह 6:40 पर पहुंचा देती है। फिर तीसरी गाड़ी 11:08:88 पुणे बेरावल एक्सप्रेस। ये गाड़ी पुणे से खुलती है और बेरावल तक जाती है। ये भिवंडी में रात को 11:05 पर आती है और अहमदाबाद सुबह 7:30 पर पहुँचा देती है। शुक्रवार को भी सिर्फ एक ही गाड़ी है, 16:02:10 मैसूर अजमेर एक्सप्रेस। 16:02:10 मैसूर अजमेर एक्सप्रेस ये मैसूर से चलती है और आखिरी स्टॉप इसका अजमेर तक है। ये भिवंडी में रात को 10:10 पर आती है और अहमदाबाद सुबह 5:30 पर पहुंचा देती है। उसके बाद शनिवार के दिन टोटल 4 गाड़ियां हैं। पहली गाड़ी 16:06:14 राजकोट एक्सप्रेस है, जो कोयम्बतूर से खुलती है और राजकोट जंक्शन तक जाती है। ये गाड़ी भिवंडी में सुबह 5:20 पर आती है और अहमदाबाद दोपहर 1:15 पर पहुंचा देती है। उसके बाद दूसरी गाड़ी 16:05:32 अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस। ये गाड़ी बेंगलोर से चलती है और अजमेर तक जाती है। ये भिवंडी में रात को 10:10 पर आती है और अहमदाबाद सुबह 5:30 पर पहुंचा देती है। फिर तीसरी गाड़ी 16:03:38 एर्नाकुलम ओखा एक्सप्रेस। ये गाड़ी एर्नाकुलम से खुलती है और ओखा जंक्शन तक जाती है। ये रात को भिवंडी में 10:25 पर आती है और अहमदाबाद सुबह 6:40 पर पहुँचा देती है। फिर चौथी गाड़ी 11:05 अहमदाबाद एक्सप्रेस। ये गाड़ी कोल्हापुर के नाम से भी जानी जाती है। ये कोल्हापुर से खुलती है और अहमदाबाद तक जाती है। इसका भिवंडी में टाइम है रात को 11:05 और अहमदाबाद सुबह 7:30। इसमें जितनी गाड़ियों के बारे में मैं बताया हूँ वो सारी गाड़ियाँ लगभग पुणे से होते हुए आती हैं। पुणे से होते हुए कल्याण, फिर भिवंडी, वसई, वापी, सूरत, बड़ौदरा, अहमदाबाद और अहमदाबाद से आगे तक। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं भिवंडी से अहमदाबाद तक की ही जानकारी को शेयर किया हूँ, जो क्योंकि भिवंडी से अहमदाबाद के लिए सैकड़ों यात्री डेली अप डाउन करते हैं, जो कि भिवंडी रेलवे स्टेशन से और अहमदाबाद के लिए जाते और आते हैं। और इसमें जो टाइम टेबल है इसका, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सुबह की गाड़ी है,
जो सुबह की 5:20 की गाड़ी है वो लगभग हफ्ते में एक दो दिन छोड़ के शायद डेली वो गाड़ी है, वो आप उसके टाइम टेबल में देख सकते हैं, वो उसका एक ही टाइम है, वो सुबह 5:20 पर आती है और अहमदाबाद वो 1:00 दोपहर को 1:15 पर उसका पहुंचने का टाइम है। तो वो सुबह की गाड़ी शायद एक से दो दिन हफ्ते में नहीं है, नहीं तो डेली है।